कंगवा ये फिल्म आई है आज, सूर्या बॉबी देओल एंड कैमियो से थोड़ा सा ही बड़ा रोल था दिशा पाटने का। तो चलिए बात करते हैं फिल्म के बारे में। पहले तो ये कि जब इस फिल्म का फर्स्ट टाइम टीजर आया था तब लोग इस फिल्म के लिए एक्साइटेड लग रहे थे, लेकिन वो एक्साइटमेंट लोगों की ट्रेलर आने तक कम हो गई और अब फिल्म आते आते ये एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म सी दिखाई दे रही है। अब अगर इस फिल्म के कलेक्शन अपने डे वन पर 100-200 करोड़ बताए जा रहे हैं तो मे बी वहां कुछ ना कुछ गड़बड़, क्योंकि इस फिल्म को देखने के लिए लोग ऑलमोस्ट ना के बराबर थे। एंड दूसरी चीज ये कि फिल्म बिल्कुल भी 3D लाइक नहीं है, ऐसा भी कुछ स्पेशल नहीं लगा 3D जैसा मुझे फिल्म के अंदर। कि आप लोग इसे 3D में देखो, कोई स्पेशल इफेक्ट, कोई VFX इतना भी कुछ खास नहीं था कि 3D में कुछ अलग देखने को मिल रहा हो। बाकी चॉइस आपकी है, आप चाहो तो इसे 3D में देख सकते हो। वेल, स्टोरी है दो अलग अलग टाइम पीरियड की, एक है आज की यानी 2024 की एंड दूसरी आज से लगभग 1000 साल पहले, क्योंकि पुनर्जन्म वाला सिस्टम है। सूर्या यानी कंगवा सन 1000 में किसी एक गाँव का राजा है एंड उसी से दूसरे समुद्र पार दूसरे गाँव में बॉबी देओल उस गाँव के राजा है। ये ठीक उसी तरह से स्टोरी है जैसे सालों पहले एक गाँव का राजा दूसरे गांव के राजा को मारकर पूरे देश पर राज करना चाहते थे, जबकि उनकी एक दूसरे से कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं। सेम पैटर्न इस फिल्म में भी है, बॉबी कंगवा को मारना चाहता है। यहीं से इस फिल्म की स्टोरी की शुरुआत है, यही एंड है, बाकी कुछ समझ नहीं आएगा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। एक्चुअली फिल्म में एक बच्चा है लगभग 12 साल का जिसके बाप को कंगवा मार देता है एंड बाद में जब वो बच्चा रिवेंज लेने की कोशिश करता है तो कंगवा को गिल्ट फील होता है। अरे भाई, जब आप उस काम को बिना गिल्ट लिए पहले कर चुके हो तो अब गिल्ट लेके क्या फायदा? गलती से तो आपने उसे मारा नहीं था, उसकी गलती पर ही उसे मारा था, तो अब ये अजीब सी कहानी बनाकर क्या फायदा? वैसे सूर्या का कैरेक्टर तो फिल्म में काफी अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम टाइम उस बच्चे की वजह से फिल्म बोर फील होती। अगर उसको एक स्पेशल कैरेक्टर बनाना था तो कुछ अलग कोशिश करते। एक बेचारा बच्चा है, ना कुछ करता है ना करने देता है, जाने क्या ही रोल। एंड 2024 में भी वो बेचारा बनकर ही लौटा। इसके अलावा बॉबी का भी रोल फिल्म में उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ना ही उतनी ज्यादा स्क्रीन टाइमिंग उन्हें दी गई। जिस तरह उनका लुक ट्रेलर में देखकर मजा आ रहा था उतना ज्यादा उन्हें फिल्म में देखकर नहीं आया। सबको लंबे चौड़े डायलॉग्स दे रखे हैं, टू बी ऑनेस्ट किसी किसी पर तो वो सूट कर रहे हैं, लेकिन सब पर VFX भी उतना ज्यादा खास नहीं था। एंड एक सीन था फिल्म के अंदर मगरमच्छ और सूर्या के बीच। अब मेकर्स के लिए वो सीन बहुत बढ़िया हो सकता है फिल्म में, लेकिन ऑडियंस के लिए बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि सबसे अनलॉजिक सीन वही था पूरी मूवी में। सबसे पहली चीज तो दो टाइम पीरियड में ये मूवी चल रही है, वही सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली चीज है फिल्म के लिए। अब 2024 वाला जो टाइम पीरियड है उसमें एक सीन है एरोप्लेन का, चलो उसकी बात नहीं करते, आप खुद देखना उस सीन को, 90s की फिल्मों की याद आ जाएगी। बाकी एक एक्सटेंडेड कैमियो देखने को मिलेगा फिल्म के एंड में, ओवरऑल नॉट गुड नॉट बैड वाला फील ये फिल्म देगी। एंड एक ही चीज बोलूंगा, बॉबी देओल का रोल थोड़ा और अच्छा हो सकता था और स्क्रीन टाइमिंग के साथ। अगर आप भी फैन हो सूर्या के तो उनके लिए ये फिल्म आप देख सकते हो, उनका काम जरूर पसंद आएगा। बाकी वन टाइम वॉच मूवी है, मेरी तरफ से 3 stars out of 5।